61 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोज ने दो रेडियो 6,600 रुपए में खरीदे तो क्रैमुल हो गया 6,600, और एक को 25% लाभ दूसरे को 25% की हानि पर बेचने पर विक्रयमूल बराबर होता है, इसलिए हमने पहले का क्रयमूल R1 दिखा दिया, दूसरे का क्रयमूल R2। देखिए पहले को 25% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 25% हानि, दोनों का विक्रयमूल समान। जैसे ही आप कटाएंगे 100 से 100 खत्म, 25 से 5 बार में, 3 बार में, अनुपात 3:5 हो गया। ये चूंकि क्रयमूल माने हैं तो क्रयमूल का अनुपात आया और दोनों का क्रयमूल 6,600 दिया हुआ है, तो 8 यूनिट का वैल्यू 6,600, 1 यूनिट का वैल्यू बन गया 800। जब 1 यूनिट का वैल्यू 800 तो पहला रेडियो का क्रयमूल हम निकालेंगे, बनेगा 8 तिया 2,400 रुपया, दूसरे का निकालेंगे 8 में 5 से गुणा करेंगे 4,000 रुपया। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक का विक्रयमूल, ध्यान में रहे आप R1 का मान 2,400 यहां बैठाइए या R2 का मान 4,000 यहां बैठाइए, विक्रयमूल आएगा जहां मर्जी वहां बैठाइए, दोनों का विक्रयमूल समान है। तो हमने 2,400 का 125 बटा में 100 किया, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 600 बार में, और हमारा विक्रय मूल्य बन गया 3,000 रुपया। 3,000 रुपया हमारा है। किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रयमूल की 1/5 के बराबर हानि होती है, तो देखिए हानि 1, क्रयमूल 5। जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य बराबर क्रयमूल माइनस हानि, विक्रय मूल्य हो गया 4 यूनिट, अनुपात हमेशा यूनिट में होता है, इसलिए 4 यूनिट का वैल्यू 2,000, 1 यूनिट का वैल्यू 4 यूनिट का वैल्यू 8,000, 1 यूनिट का वैल्यू 2,000, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 × 2,000 बराबर 10,000 रुपया। 10,000 64 64 दिया है। दो साइकिल को समान मूल्य पर बेची जाती है, इनमें पहले को 20% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि। देखिए पहले साइकिल को हमने V1 लिया, दूसरे साइकिल को V2, एक में 20% का लाभ, दूसरे में 20 की हानि, इनका अनुपात बन गया 2:3। जबकि अगर एक में 20 की हानि दूसरे में 20 का लाभ होता है तो फाइनली अगर हम देखें तो 96% यानी 4% का लॉस होता है, जो आपके बुक में दिया हुआ है कि 18 रुपये की हानि होती है। जहां से आप क्रैमूल निकाल सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपने देखा दोनों का क्रैमूल लिया हुआ था, यहाँ से आपको क्रैमूल निकालना होगा 450 रुपया। तब आप दिखाएंगे 3, 2, 5 यूनिट का वैल्यू 450, 1 यूनिट का वैल्यू 90। अगर पहले का क्रैमूल पूछे 9 × 2 = 18, 180 रुपया, दूसरे का क्रैमूल पूछे 270 रुपया, जिसका पूछे। आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, आगे आपको फिर कल से नया वीडियो मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का ही मिलेगा। साथ ही आपको बताया गया था अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो वीडियो समझ में नहीं आएगा, आप आर्य सहवाल के बुक से लाभ हानि चैप्टर क्वेश्चन अपने सामने रखिए, वीडियो देखिए, पूरा समझ में आएगा। और जाते जाते फिर से एक बार दोहराते हैं, हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, इस बात को गंभीरतापूर्वक लेकर हमें पालन करना है, अपने घर से बिना किसी इमरजेंसी के नहीं निकलना है। जीवन रही हम बहादुर बन जाएंगे, हम जीवन रही तो हम मर्द भी बनेंगे, लेकिन जीवन ही ना रहेगी तो ना हम बहादुर बन पाएंगे ना मर्द बन पाएंगे। इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है अपनी जीवन को बचाना, इसलिए आप लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन न करें, अपने घर में रहें। धन्यवाद।